वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं मुशेडी अभी मजा आएगा ना भिड़ो बाजार घूमने और आपको दिखाएंगे मुशेडी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बाकी सब दिखाएंगे और बाजार, तो आगे की इंट्रो आपको संजय कुमार देंगे। बस हवा निकल गई। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। तो आज की व्लॉग जो है वो मैंने रणदीप भाई से शुरुआत करवाई कि इनको ही मौका देते हैं कि ये कैसा बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे तो आप देखते हैं कि मैं तो बोलता रहता हूँ, जैसा मन में वैसे बोल देता हूँ। तो आज मैं रणदीप भाई को देख रहा था कि इनसे शुरुआत करवाते हैं, इनको देखते हैं कि ये कैसे बोलते हैं। तो अच्छा बोला इन्होंने, सिर्फ इंट्रो शूट की इन्होंने। तो आज मैं आपको रणदीप भाई के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरे बारे में तो आप जानते होंगे कि मेरा क्या काम है, मैं तो सिर्फ कैमरा उठा के कहीं भी चल पड़ता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मेरा काम तो आपको पता है, तो रणदीप भाई का काम बताता हूँ आपको कि रणदीप भाई क्या काम करते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। नहीं तो रणदीप भाई जो है ये अभी 17 साल की उम्र है इनकी। कितनी उम्र है आपकी? 17-18 साल उम्र है अभी इनकी। तो मतलब ये दो दुकान चलाते हैं, एक हमारे गांव में अपने गांव में, तो एक मुशेडी में। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 17 की उम्र में इन्होंने खुद की अपनी जो दो दुकानें बना ली हैं खुद से। इनके पापा जो हैं वो भी मजदूरी करते हैं, डैडी इनके। तो इन्होंने खुद से दो दुकानें बना ली हैं अपनी, एक अपने गांव में और एक मुशेडी में लिया किराए पे। तो आप समझ सकते हैं इनके हौसले कि कैसे हौसले हैं इनके। तो मतलब अच्छा काम चल रहा है इनका, इतनी आमदनी कर लेते हैं जितना एक फ्रेशर इंजीनियर जो है वो स्टार्टिंग में प्राइवेट जॉब में कमाता है, उतने ये 17-18 की उम्र में अपने काम से कमा लेते हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रख ये ले। इतनी खुशी आज। तो मतलब इनका एक फेमस डायलॉग है कि मुकाबले में भले ही कछुए से भी हार जाएंगे, पर मुकाबला हमेशा खरगोश से ही करेंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो मतलब भले ही कछुए से हार जाएं, पर मुकाबला हमेशा खरगोश से ही करेंगे। तो मतलब समझ सकते हैं अभी कैसी सोच है इनकी। तो अभी जा रहे हैं हम मुशेडी को। सो गाइस, खुद के पांव पर खुद को खुद स्टैंड करना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कि बहुत कम लोगों में होती है। तो इसका मतलब ये है कि फैमिली कुछ कारणों की वजह से आपकी फैमिली जो है वो कुछ लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाती, कुछ पर्सनल मजबूरियों की वजह से, पर्सनल परेशानियों की वजह से। पेरेंट्स कुछ पर्सनल मजबूरियों परेशानियों की वजह से उनको सपोर्ट नहीं कर पाती, तो एक बहुत बड़ी बात होती है खुद को खुद के पांव पर खुद स्टैंड करना, तो जो कि बहुत कम लोगों में होती है। तो आज के इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक। तो कमेंट करके बताना कि रणदीप भाई की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अभी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।